नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सौथी पहला आजे गुरु पूर्णिमा ने दरेक विद्यार्थियों ने हार्दिक शुभेच्छा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कल हमने सोच अपने अपने इकाई में चित्र जो दिया गया है उसका वर्णन किया। आज हमें सोच कर नीचे जो प्रश्न हमारी पुस्तक में दिए गए हैं उसके बारे में सोचना है और अलग अलग उसके विचार हमारे प्रकट करने हैं। तो बच्चों, हमने कल देखा कि चित्र में क्या क्या दिया गया है। चरवा दिखाई देता था, चरवा गायों को लेकर चराने के लिए आया था। गांव का दृश्य देखा, उसमें लड़का लड़की सब पुतली के पीछे भाग रहे थे। किसान खेत की ओर जा रहा था। यह सुबह का चित्र में सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ सभी दृश्य को हमने देखा। इस दृश्य को लेकर हमें अपने अपनी सोच के बारे में बताना है। तो बच्चों, चरवाहे जो था वह गाय के पास लकड़ी लेकर खड़ा है, तो वह क्या सोचता होगा? अब हम इसके बारे में सोचते हैं। वह क्या सोचता होगा? गाय चराने कहाँ जाएंगे? नदी की ओर या जंगल की ओर? गाय को ज्यादा घास कहाँ मिलेगी? दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? उसको यह विचार आया होगा। चरवाहा वहाँ पर खड़ा खड़ा क्या सोचता होगा? यह सभी सारी बातें वह खड़ा होकर सोचता होगा। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? हमने चित्र में देखा ना बच्चों के सूरज उगता हुआ सूरज हमें दिखाई देता है। तो सूरज निकलते ही क्या क्या होता है? सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती हैं, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गायें चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। तो देखा बच्चों कि जब सूरज निकलता है तो क्या क्या होता है धरती पर? देखा बच्चों क्या क्या होता है? यह बात तो हमने चित्र में भी कल देखी थी ना कि सूरज निकलते ही क्या हुआ, पक्षी चहचहाते हुए निकल पड़े, पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े, चरवाहे गाय चराने के लिए निकल पड़े, किसान अपने खेत में काम करने के लिए निकल पड़े, सभी फूल खिल जाते हैं सुबह होते ही, और पूरा संसार चेतना से भर जाता है। अब हम देखते हैं कि कुत्ता क्या सोच रहा होगा। हमारे इकाई में जो चित्र दिया गया है इसमें कुत्ते का चित्र था ना बच्चों, कल हमने देखा था ना कुत्ते का चित्र। तो अब हमें यह बताना है कि कुत्ता क्या सोचता होगा, क्या सोच रहा होगा। कुत्ता किसके पीछे था? किसान के पीछे था। तो वह क्या सोच रहा होगा? तो कुत्ता यह सोचता हुआ दिखाई देता है कि यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, मैं उसके साथ जाऊँ या नहीं जाऊँ, मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा, मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। क्योंकि वह जो किसान चाहता था उसके पीछे कौन था? कुत्ता था। यह हमने चित्र में देखा ना बच्चों कल, तो उसके पीछे कुत्ता चाहता था, तो चाहते हुए कुत्ते को यह विचार आया होगा। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? हम बगीचे में जाते तो क्या करते? मैं बगीचे में होता तो क्या करता बच्चों? मैं बगीचे में होता तो रंग बिरंगी फूलों को जी भर देखता,
फूलों जो बगीचे में खिले हुए हैं, यह फूल को हम जी भर के यानी कि हमारा मन प्रसन्न हो जाए इस तरह हम उसे एक उसे फूल को देखेंगे, फूलों की सुंदरता देखेंगे, चूल्हे पर चूल्हा झूलेंगे, रंग बिरंगिया तितलियाँ देखकर हम प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होना यानी कि हम खुश होंगे, तितली को देखकर हम भी खुश होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि जो चित्र था वह चित्र कल हमने इसका अभ्यास किया था। इस चित्र में जो जो चीज आई थी, जो व्यक्ति आए थे उसके बारे में हमने देखा, पक्षी, चरवाहा, किसान, बगीचा, तो यह हमने कल देखा था। तो आज हमने क्या देखा बच्चों के, इसमें हम क्या सोच सकते हैं, इसमें हम क्या सोच सकते हैं, यह बात का हमने अभ्यास किया। अब बच्चों आप देखें कि आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र के आधार पर प्रश्न ऐसी बात बताई गई है, पर वह चित्र कौन सा है बच्चों आपको पता है? यह चित्र किसका है यह पता है आपको बच्चों? देखो यह चित्र जो है वह यहाँ पर प्रश्न के जवाब के माध्यम से दिया गया है। प्रश्न के जवाब बाद में आप करेंगे, बाद में प्रश्न के जवाब जो है वो हम बाद में करेंगे, पर उनसे पहले यह किसका चित्र है और इस चित्र में किसकी बात बताई गई ये हमें आज देखना है। तो बच्चों ये चित्र को आप देख सकते हैं कि वह चित्र है वह किसका है, टोपी वाले का। किसका है बच्चों? टोपी वाले व्यापारी हैं। तो उसकी हम पहले बात करेंगे यानी कि इसकी इस कहानी को हम देखते हैं, बाद में ये प्रश्न का जवाब हम लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न के जवाब दिए गए हैं ना, जवाब नहीं दिए गए, प्रश्न जो है कि व्यापारी क्या ले जा रहा है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, पेड़ के ऊपर कौन है, बंदरों ने टोपियों का क्या किया, व्यापारी ने क्या किया, ये सब जो प्रश्न के यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं उसके हमें उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो यह प्रश्न के उत्तर हम ऐसे ही नहीं देंगे, पर यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वह चित्र पूरी कहानी का है। तो सबसे पहले भले ही यहाँ पर नहीं लिखा है कहानी का है, पर यह चित्र किसका है बच्चों? कहानी का है। यह चित्र कहानी का है, तो सबसे पहले हम कहानी को देखते हैं, बाद उसका जो चित्र को देखकर में उसका आंसर देना है यानी कि उत्तर देना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले इस चित्र की जो कहानी बनी हुई है उसका हम अभ्यास करते हैं, उसको हम समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वो क्या है? टोपी वाला। क्या है? टोपी वाला। आपने गुजराती में कहानी वार्ता सांभळेली छे ने, टोपी वालो फेरियो, एवी सांभळी छे ने बाळको? तो बस एवी ज आ वार्ता जेवू छे, एवी ज छे आ वार्ता। गुजराती में टोपी वालो फेरियो आपणे सांभळेलो छे, बस ठीक उसी तरह यहाँ पर जो कहानी दी गई है बच्चों वो क्या है? टोपी वाला। एक टोपी वाला था, वह गाँव गाँव घूम कर टोपियाँ बेचता था। क्या बेचता था? टोपी। वह एक दिन टोपियाँ बेचकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। दोपहर हो गई, एक गांव से दूसरे गांव टोपी लेकर जा रहा था। इस दोनों गांव के बीच जाने के समय में दोपहर हो गई, वह थक गया। इतनी दूर जाने का हुआ इसी वजह से उसको थकान लगी, वह थक गया। रास्ते में एक बड़ा पेड़ आया, उसने पेड़ की छाया में आराम किया। आराम करने के लिए टोपियों का गट्ठर नीचे रख दिया। जो वह टोपी का गट्ठर था यानी कि सारी टोपी एक साथ
थी वह गट्ठर जो था वह उसने नीचे रखा और पानी पीकर वह आराम करने लगता है। उसके सिर पर जो टोपियों का गट्ठर था वह लेकर उसने उसके पास बाजू पर रख दिया और पानी पीकर वह आराम करने लग जाता है। आराम करते करते उसकी आँख लग गई। आँख लग जाना यानी कि उसको नींद आ गई। आँख लग जाना यानी कि उसको नींद आ गई। जो टोपी वाला था उसको पानी पिया और उसको थकान की वजह से उसकी आँख लग गई यानी कि उसे नींद आ गई। बाद में क्या हुआ बच्चों? बाद में पेड़ पर कई बंदर थे। जिस पेड़ के नीचे टोपी वाला सोता था वहाँ उसके ऊपर जिस पेड़ के नीचे वह सोता था उसके ऊपर पेड़ था, उस पेड़ में कई बंदर थे। बंदर बड़े चालाक थे, बहुत होशियार थे। एक एक करके सभी बंदर चुपके से नीचे आ गए। क्या हुआ बच्चों? टोपी वाला तो आराम कर रहा था, सो गया था। बंदर तो बहुत चालाक है, उसने क्या देखा कि हाँ टोपी वाला तो सो गया है, नीचे तो कोई सो रहा है, उसकी गठरी को हम खोल दें। उसने क्या कहा, क्या किया, एक एक करके सब भी चुपके से नीचे आ गए। आवाज किए बिना धीरे से वह नीचे आ गए। एक एक टोपी पहनकर पेड़ पर चढ़ गए। क्या हुआ बच्चों? कि जो टोपी वाला था उसकी गठरी में क्या था बच्चों? टोपी थी। उसकी गठर में टोपी थी। वह सब खोली, गट्ठर खोला, खोलकर उसमें जो टोपी थी वह एक एक टोपी पहनकर बंदर तो चले गए, ऊपर चढ़ गए। कुछ समय के बाद टोपी वाला जाग उठा, वह उठ गया। अरे मैं कहाँ पर सो गया हूँ? क्यों, उसको थकान की वजह से इतनी नींद आ गई थी बच्चों कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पर सो गया हूँ और मेरी टोपी सभी बंदर लेकर ऊपर चढ़ गए हैं। वह जाग उठा, उसने देखा तो अपनी सभी टोपियाँ गायब हो गई। क्या हुआ, वह जब नींद में से उठ जाता है तो सभी टोपियाँ गायब हो गई यानी कि बंदर वह लेकर ऊपर चढ़ गए थे। वह सोच में पड़ गया। उसने ऊपर देखा तो सभी बंदर टोपियाँ पहन के बैठे थे। क्या हुआ बच्चों कि वह नींद से जागा, उसने देखा कि उसकी गट्ठर में एक भी टोपी तो नहीं है। तो उसने क्या किया बच्चों, ऊपर देखा तो सभी जगह पर बंदर एक एक टोपी पहन के बैठे हुए थे, दिखाई दिए। उसने ऊपर देखा तो सभी बंदर टोपियाँ पहने बैठे थे। उसने अपने बगल में हाथ रखा, बंदरों ने भी अपने बगल में हाथ रखा। हाँ, क्या हुआ बच्चों कि टोपी वाला जो था वह भी चालाक था, होशियार था। जिस तरह बंदर ने चालाकी से टोपी ले ली थी और उस तरह टोपी वाला बंदर के पास से टोपी ले लेगा, बंदर के पास से अपनी टोपियाँ ले लेगा। उसने क्या चालाकी की, टोपी वाले ने अपना हाथ जो था वह बगल में रखा तो उसको देखकर बंदरों ने भी अपनी बगल में हाथ रखा। जिस तरह टोपी वाले ने जो किया वही बात किसने की, बंदरों ने की। टोपी वाला समझ गया कि बंदर कैसा है, नकलची। बंदर कैसा है, नकलची है। बंदर नकलची है, नकलची यानी कि वह नकल करने वाला है। बंदर क्या है, वह सब बंदरे जो यहाँ पर मेरी टोपी लेकर चले गए हैं वह बंदर नकलची है। नकलची यानी कि नकल करने वाला, नकल करने वाला यानी कि
जो टोपी वाला करता है वैसा ही वह करता है, यानी कि उसकी नकल करता है। उसको इतनी बात समझ में आ गई कि मैंने जो किया वो ही उसने किया, इसलिए अब मुझे कुछ टोपी लेने के लिए कुछ सोचना होगा। टोपी वाले ने अपने सिर से टोपी जमीन पर फेंक दी। क्या हुआ बच्चों? क्योंकि टोपी वाला जो था उसके सिर पर भी क्या थी? टोपी थी। तो उसने क्या किया टोपी वाले ने कि अपनी टोपी जो थी वह टोपी नीचे फेंक दी। नीचे फेंक दी तो सब बंदर ने देखा कि टोपी वाले ने टोपी को नीचे फेंक दिया। सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। टोपी वाला टोपियाँ लेकर खुश होकर चला गया। देखा ना बच्चों कि टोपी वाला जो था वह भी कैसा था? होशियार था, वह भी चालाक था। उसने अपनी चालाकी की वजह से बंदर जो ले गया था टोपी वह अपनी वापस ले ली। तो बच्चों समझदारी से काम लेना चाहिए। समझदारी से टोपी वाले ने काम किया तो अपनी सारी टोपी मिल गई। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं अब उसे हम देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं ना बच्चों, इस प्रश्न इस मैंने जो अभी कहानी सुनाई आपको वही कहानी के माध्यम से ही यह प्रश्न का जवाब दिया देना है, यानी कि चित्र के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए, ऐसा आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वह प्रश्न मैंने जो आपको कहानी सुनाई इस कहानी पर से ही हमें देना है। चित्र को भी देखना है और मैंने अभी जो कहानी आपको बताई उसको आपको याद भी करना है। तो बच्चों व्यापारी क्या ले जा रहा है? क्या ले जा रहा था बच्चों? व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? वो टोकरी थी, यानी कि यहाँ पर कहाँ क्या शब्द दिया गया था? गट्ठर, टोपियों का गट्ठर। तो यहाँ पर टोकरी दोनों एक ही है, यानी कि व्यापारी टोकरी कहाँ पर रखता है? कहाँ पर रखी थी उसने टोकरी? तो पेड़ के नीचे। व्यापारी ने वह पेड़ के नीचे सो गया और उसके पास उसने अपनी टोकरी रख दी। पेड़ के ऊपर कौन है? जहाँ पर व्यापारी नीचे सोता था पेड़ के नीचे, तो उसके ऊपर पेड़ के ऊपर क्या था? कौन थे? बंदर थे। कौन थे? बंदर। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? आपका चित्र आप देखेंगे। हाँ बच्चों देख, तुम चित्र देखकर मेरा प्रश्नों के जवाब सुनोगे। मेरे जो प्रश्न दिए हूँ, मैं जो बोलती हूँ प्रश्न वह आप देखोगे और चित्र को देखोगे तो आपको तुरंत ही याद रह जाएगा। व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियों को फेंक दी। बंदरों ने क्या किया? व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? बंदरों ने टोपियों का क्या किया? बंदरों ने टोपियाँ सब नीचे से ऊपर जो टोपियाँ ले गया था वह सब बंदरों ने पहन ली। क्या की बच्चों? पहन ली। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? बंदरों ने क्यों टोपियाँ फेंक दी? हमने कहानी में देखा कि व्यापारी ने अपनी टोपी फेंकी, उसे देखकर बंदरों ने व्यापारी की तरह, यानी कि जिस तरह व्यापारी ने अपनी टोपी फेंक दी थी नीचे उसी तरह बंदरों ने भी ऐसा किया। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। व्यापारी ने फेंका, इसी वजह से बंदरों ने भी फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है?
व्यापारी टोपिया बटोर रहा है, बटोरना यानी कि अलग अलग जगह पर टोपिया पड़ी है उसे वह लेकर अपने टोकरी में रखता है यानी कि बटोरता है। सब इकट्ठी करना, बटोरना यानी कि इकट्ठी करना, सभी टोपी जो अलग अलग जगह पर है वह बटोर रहा है यानी कि इकट्ठी कर रहा है। व्यापारी टोपिया बटोर रहा है। तो देखा बच्चों कि हमने इस कहानी को पढ़ी यानी कि इस कहानी की समझ हमने प्राप्त की, तो हमें प्रश्न का जवाब जो है वह तुरंत समझ में आ गया ना बच्चों, क्योंकि वही कहानी पर से यहाँ पर चित्र दिया गया और इस चित्र के माध्यम से हमें प्रश्नों के जवाब देने थे। तो इस चित्र के जो चित्र दिया गया था उसकी कहानी हमने समझ ली थी, इसलिए हमें जवाब देने में सरलता बनी रही। तो बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 24 पर जो चित्र दिया गया है इस चित्र के आधार पर हम वाक्य लिखते हैं। देखिए बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 24 दिया गया है, उस चित्र को आप देखिए। क्या चित्र है? नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो क्या क्या दिखाई देता है बच्चों? एक लड़की दिखाई देती है, एक लड़का दिखाई देता है, और लड़की जो है वह कहाँ पर है? फिसल पट्टी पर। फिसल पट्टी यानी कि सुथाई गुजराती मैंने शू कहवाए, लपसणी। शू कहवाए? लपसणी। तो यहाँ पर चित्र जो दिया गया है बच्चों उसमें क्या क्या बात, कौन कौन सा चित्र दिखाई देता है, चित्र में कौन कौन सी चीज दिखाई देती है? तो एक वृक्ष दिखाई देता है, एक लड़की दिखाई देती है, एक लड़का दिखाई देता है और फिसल पट्टी दिखाई देती है। तो बच्चों अब हमें उसके बारे में वाक्य लिखना है। तो चित्र में पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा है, एक फिसल पट्टी है, फिसल पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो चित्र फिसल पट्टी का दिया गया है वह फिसल पट्टी पर लड़की फिसल रही है और उसके बाद में क्या दिया गया है? सीढ़ी। तो सीढ़ी क्यों होती है? क्योंकि फिसल पट्टी पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है। सीढ़ी है, फिसल पट्टी के ऊपर लड़की फिसल रही है, फिसल पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है, दोनों भाई बहन खुश हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को तो फिसल पट्टी पर फिसलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये दोनों भाई बहन खूब खुश थे। क्योंकि फिसल पट्टी पर फिसलना तो सभी को अच्छा लगता है, इसलिए ये दोनों भाई बहन फिसल पट्टी में फिसलने के लिए वह फिसलता है इसलिए खुश हैं।